हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, क्या चल रहा है? शहनाज का न्यू एपिसोड आया है देसी वाइब्स पर। और देखिए, शहनाज ने इंस्टाग्राम स्टोरी में डालकर आप सभी से कहा है, भाई देख के आइए शो को। काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है शहनाज का राजकुमार राव के साथ। शो की शुरुआत भी राजकुमार राव के साथ ही हुई थी। फर्स्ट जो एपिसोड था वो राजकुमार राव के साथ था और काफ़ी हिट हुआ था। तब ये बोला गया था कि भाई इसी तरह के एक्टर आएंगे, ए लिस्टर नहीं आएंगे, काफ़ी कुछ कि अच्छे अच्छे जो हीरो हैं, बड़े हीरो हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन इस शो पर शाहिद कपूर से लेकर सारा अली खान तक आए, बड़े बड़े यूट्यूबर भुवन बाम, शिवानी दीदी तक आई। मतलब आप ये सोचिए कि हर फील्ड से किस तरह से शहनाज से लोग कनेक्ट हुए। विकी कौशल, उनका नाम कैसे भूल सकते हैं। तो गाइज, हर कई फील्ड से शहनाज के साथ लोग कनेक्ट हुए और सब ने शहनाज की तारीफ ही की शो पर आकर। बहुत सारे लोग शुरू से क्रिटिसाइज़ कर रहे थे शहनाज के शो को, मतलब उनके खुद के फैंस ही, कि बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है। अभी भी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं शो को बंद कर देना चाहिए, जो टॉक शो होते हैं लिमिटेड एपिसोड्स के होते हैं, ये वो, फिर रिपीटेटिव लगने लगता है। काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही करते आ रहे हैं और अब फिर कर रहे हैं। और अभी हाल ही में कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए इस वाले एपिसोड के व्यूज़ कम आए हैं, काफ़ी कम कह सकते हैं आप शहनाज के नाम पर, क्योंकि उनके नाम पर इतने व्यूज़ तो उनके फ़ैन पेजेस पर आ जाते हैं। तो इतना बड़ा शो आया, इतने दिनों बाद आया, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इसलिए व्यूज़ नहीं आए क्योंकि राघव के नाम को लेकर काफ़ी सारे लोग नाराज़ हैं, काफ़ी सारे शहनाज फैंस नाराज़ हैं और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। खासकर शहनाज फैंस को टारगेट किया जा रहा है कि, और कुछ शहनाज के फैंस भी हैं, उन्हें शहनाज के फैंस कहाँ कहा जाता है, उन्हें तो शहनाज फैंस ही कहा जाता है जो राघव के नाम को लेकर कह रहे हैं कि हो अल्लाह कर रहे हैं, कि उनकी वजह से काफ़ी सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा है कि सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से व्यूज़ इतने कम रह गए? तो मैं आपको बताती हूँ गाइज, ये देखिए, ये 2-4 हज़ार लोगों के देखने से, 2-4 हज़ार लोग तो कम भी नहीं हुए हैं, ठीक है, 100-200-400 लोग कह लीजिए, या 10-20 अगर मैं कह रही हूँ इनकी बातें मान भी लें। पहली बात तो ऐसा कोई शहनाज फैन नहीं है कि जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी शहनाज का ट्रेंड हुआ था, आप ट्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया था कितनी जल्दी 100 के हुए थे, तो ऐसा तो है नहीं। और शहनाज का ट्रेंड होता है तो भी उसमें ये वाले फ़ैन्स भाग लेते हैं, और ये सब लोग शहनाज के हर प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए 100-200 लोगों ने नहीं देखा, अगर इनकी माने भी तो उससे व्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये नेचुरल ऑडियंस की बात है। और सबसे बड़ी बात यूट्यूब के इम्प्रेशंस के, कि ये कितने इम्प्रेशंस भेजते हैं, कैसी एंगेजमेंट आ रही है। एक्चुअली कई बार ना ये इम्प्रेशंस काफ़ी डाउन कर देते हैं, कि मान लीजिए जहाँ ये एक घंटे में 4-5 हज़ार एक छोटे से चैनल पर इम्प्रेशंस भेजते हैं, जैसे मैं अपने का आपको आइडिया दे दूँ, वहाँ ये 100-200-300 इम्प्रेशन भेज रहे हैं अब मेरे चैनल पर, तो आप देखेंगे काफ़ी व्यूज़ कम आते हैं। तो लोगों को लगता है कि अब फैंस नहीं देख रहे हैं, या अब व्यूज़ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सपोर्ट कम है। नहीं नहीं, इम्प्रेशन की बात है तो वही बड़े चैनल्स के साथ है, जहाँ पहले शहनाज के चैनल पर लाखों में इम्प्रेशन जाते होंगे एक घंटे में, वहाँ कुछ हज़ार ही रह गए होंगे। और ये काफ़ी टाइम बाद चेंज हो जाता है, जैसे अभी कोई दूसरी वीडियो नहीं आएगी ना, तो थोड़े दिन बाद इसके इम्प्रेशन ऑटोमेटिकली भेजेंगे और तब व्यूज़ बढ़ेंगे। ओके गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।